रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के बाद पुलिस को सूचना मिली। नगर थाना अध्यक्ष ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे और जांच के दौरान मालूम चला कि एक रंजीत दास जो मृतक हैं वो रिक्शा चलाते हैं, और एक महिला है जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है और वो जा रही थी, तो उसके जो मालिक थे उसको पहुंचा करके लौट रहे थे। इसी क्रम में जो एक बंद गली थी उसी पर रंजीत दास के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया और कुछ कमेंट किया गया, जिस कमेंट की सूचना जो है जो सपना अपने भाई को दी, और भाई आए और इसमें मारपीट हुआ और मारपीट के जख्म आया जिसके कारण रंजीत दास की मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस ने इस काम में विधिवत पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम का कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। जो मारने वाले हैं जिन पर मुख्य आरोप है सपना देवी के भाई का, मारपीट के दौरान सपना देवी भी उपस्थित थी, उनको भी डिटेन किया गया है और इस पर FIR दर्ज करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगा। अन्य लोगों को भी डिटेन किया गया है जो हम लोग को सूचना मिल रही है और इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के पूर्व स्कैनिंग पूर्व से घंटे चल रहा था इस दोनों। तरह का कोई संज्ञान पुलिस के पास नहीं थी, रात में ही बात हुई है और रात में ही अपने भाई को सपना देवी द्वारा खुली कोई एक पुलिस को भी नहीं सूचना दिया गया था, ना 112 पर भी कभी खबर किया गया था। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? अभी डिटेन किया गया है, लेकिन जो डिटेन किया गया उसमें मारने वाले हैं जो मैं उनके भाई जिस पर आरोप है कि यही मारे थे, वहां पर सपना भी मौजूद थी और अन्य दो आदमी को और डिटेन किया गया है। अब पीड़ित परिवार के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।